तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, सो द लास्ट थ्री लेक्चर इज नाउ लेफ्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, एंड इन दिस पार्ट वी हैव कवर्ड द स्कीम्स विच वर इन न्यूज फ्रॉम ऑगस्ट 2018 टू मे 2019, दैट इज बिफोर योर दिस ईयर प्रीलिम्स। ओके, सो आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स बिकॉज दिस पार्ट is also important, but the thing is that this part is schemes where the syllabus, the important syllabus for this year prelim jo abhi ho gaya. Okay, and in the second part we will be covering from June 2019 aur abhi October tak maine cover kar diya hai, and in that particular lecture I will also attach the word file, the word document bhi main de dunga, taki aap jo October ke baad aapke examination se pehle tak jitni schemes aaye you will just add it there only. Okay, and my methodology of teaching government schemes is I will cover only those schemes which were in news. Okay, because this is a trend of UPSC, anything which is in news mostly only they are asking about that particular scheme. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको स्कीम जो कवर भी किए हैं वो न्यूज के अकॉर्डिंगली कवर किए, तो आप हर जगह देखेंगे कि न्यूज लिखा होगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, तो ऑगस्ट 2018 टू मे 2019. ओके, तो इसके स्कीम्स हम लोग देखते हैं. तो देयर वाज अ स्कीम इन न्यूज दैट वाज कुसुम स्कीम. ओके, तो कुसुम स्टैंड्स फॉर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो मेंस में भी क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं इसको. एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू द फार्मर्स. ठीक है, कैसे? तो दिस स्कीम वुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स बाय गिविंग देम एन ऑप्शन टू सेल एडिशनल पावर टू द ग्रिड थ्रू सोलर पावर प्रोजेक्ट सेट अप ऑन देयर बैरन लैंड्स. ओके, तो इट इज गिविंग यू द फार्मर्स एन एक्स्ट्रा ऑप्शन टू अर्न. ठीक है, इसके कॉम्पोनेंट क्या है? तो कॉम्पोनेंट फर्स्ट, दैट इज कॉम्पोनेंट ए, तो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स ऑफ कैपेसिटी 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट विल बी सेटअप बाय इंडिविजुअल फार्मर्स या कॉर्पोरेटिव या पंचायत ऑन देयर बैरन और कल्टिवेबल लैंड्स. ठीक है, एंड देन द पावर दैट इज जनरेटेड विल बी परचेज बाय द डिस्कॉम्स एट फीड इन टैरिफ्स डिटरमाइंड बाय रिस्पेक्टिव SERs. तो जो भी अपने फील्ड पे ये इंस्टॉल करेगा तो उनके जो पावर जनरेट होंगे वहाँ से वो डिस्कॉम्स खरीदेगा उनसे, दैट मीन्स द एडिशनल इनकम इज प्रोवाइडेड. देन सेकेंड कॉम्पोनेंट इज इंस्टॉलेशन ऑफ 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पम्प्स. ठीक है, एंड इंडिविजुअल फार्मर्स विल बी सपोर्टेड टू इंस्टॉल दीज पम्प्स ऑफ कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर सोलर फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी इन किलोवाट इक्वल टू द पम्प कैपेसिटी इन हॉर्स पावर इज अलाउड अंडर द स्कीम. तो दूसरे कॉम्पोनेंट में जो है वो फार्मर्स को किससे सपोर्ट किया जा रहा है, सोलर पम्प्स के थ्रू. देन द थर्ड कॉम्पोनेंट इज सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पम्प्स, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, और जो भी एक्सेस एनर्जी बचेगी दैट विल बी अगेन सोल्ड टू द डिस्कॉम. तो बोथ सिक्योरिटी द फार्मर्स आर गेटिंग, फर्स्ट तो फिनेंशियल, ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उनको मिल रही है और एनर्जी सिक्योरिटी भी है. इन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो दिस स्कीम विल हैव सब्सटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ सेविंग ऑफ CO2 इमिशन बिकॉज दिस इज इको फ्रेंडली और यू कैन से द ग्रीन टेक्नोलॉजी इज बींग यूज. ठीक है, then all the three components of the scheme combined together are likely to result in saving of about 27 million tons of CO2 emission per annum. ठीक है, तो हमारे जो NDCs हैं, हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हमने पेरिस अकॉर्ड के लिए किए हैं 2030 तक फॉलो करने के लिए, उनमें भी ये बहुत हेल्प करेंगे. ओके, तो दिस वॉज द स्कीम कुसुम. तो आपको याद रखना है कुसुम स्कीम अगर प्रीलिम्स में पूछेगा तो आपको जो ब्रॉडर इसका कनेक्टिविटी कैसे करना है, ये सोलर से रिलेटेड है. ठीक है, डिस्कॉम कंपनी से भी रिलेटेड है ये, और इसके एक और आपको टैगलाइन क्या हो जाएगा, फार्मर सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है. ठीक है, देन वी हैव द स्कीम दीनदयाल डिजेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम. ठीक है, तो प्रीलिम्स में तो ये स्कीम के बारे में डायरेक्टली पूछेंगे, मेंस में जो वेलफेयर स्कीम्स पूछे जाते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए उनके ऊपर ये क्वेश्चन होगा. तो जो दिव्यांगजन है दैट इज अ डिसेबल्ड, उनके लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइज किया गया ये स्कीम. एंड रिमेंबर द मिनिस्ट्री
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। स्कीम में क्या है, जो इसका अम्ब्रेला स्कीम है, दैट इज स्कीम टू प्रमोट वॉलंटरी एक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसको 2003 में रिवाइज करके ये नाम दे दिया गया DDRS, ठीक है। एंड द अप्रोच ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक अवेलेबल द होल रेंज ऑफ सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ PWD। तो एक होलिस्टिक स्कीम है किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, ठीक है। So the list of model projects which have been optimized includes preschool, early intervention and training, special schools for person with intellectual disability, then hearing and speech disability, visual disabilities, project for cerebral palsy children, leprosy cured person, then halfway home for psychosocial rehabilitation of treated and controlled mentally ill persons, and then home-based rehabilitation and home management. Scheme ke objectives, तो ऑब्वियसली एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो दिव्यांगजन है उनके लिए, साथ साथ टू इंकरेज अ वॉलंटरी एक्शन फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1955। और इसके इम्पैक्ट के थ्रू एवरी ईयर मोर देन 600 NGOs आर प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रनिंग देयर प्रोजेक्ट्स फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ PWD। देन वी हैव अनदर फ्लैगशिप स्कीम, that is PM Shram Yogi Mandan, and this was announced in the interim budget of this year, that is 2019-20. Okay, so basically this is a pension scheme which is for targeting the unorganized sector, all those sectors which are not organized, okay. So इट विल बी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए आपके लिए। दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स, ओके। साथ साथ LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर ऑल्सो एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंशन पे आउट। तो द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड द फंड मैनेजर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Then what is the eligibility criteria? So the unorganized workers, which are mostly engaged as home-based workers, street vendors, midday meal worker, head loaders, etc. All those are unorganized, whose monthly income is less than 15,000 per month or less, and belong to the entry age group of 18 to 40 years. So you got two more points: 15,000, then 18 to 40 years are eligible for the scheme. Saath saath, this would not be covered under any other pension scheme of government like new pension scheme or the employees provident fund organization EPF. Also, this should not be an income tax payer. Okay. Then pension payout. So once the beneficiary joins, he has to contribute till 60 years of age. Or uske baad 3000 minimum pension hoga. That will depend on the amount which he has contributed. Okay. And jo bhi amount contribute karenge, सेम अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी। दैट मीन्स इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग 500 रुपीज पर मंथ, देन 500 विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन योर अकाउंट, और उसके हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड की जाएगी, ठीक है। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो स्पाउस पेंशन दैट इज अ फैमिली पेंशन, वो 50% मिलेगा, जितना बेनिफिशियरी को मिल रहा था या मिलता उसका आधा, ओके। एंड दिस फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, नॉट टू एनीवन एल्स, ठीक है। Enrollment process that will be through common service center. So this was all about Pradhan Mantri Shram Yogi Mandan. It is very important scheme for examination. Okay. Then the second phase of FAME scheme. Okay, to electrify public transport. So FAME India scheme, हम लोग बात करेंगे क्या है। FAME basically stands for faster adoption and manufacturing of hybrid electric vehicles. That will be coming into force from 1st April 2019, the second phase, okay? So this second scheme is, तो आपको जैसे नाम से समझ में आया कि this famous scheme is targeting the electric vehicles, the e-vehicles, ठीक है? तो इस बार public transport के लिए भी इसको introduce किया जा रहा है। So this is the expanded version of the present title FAME India 1, okay? जो कि 2015 में launch हुआ था। So the phase 2 of the scheme is planning to support 10 lakh electric two-wheelers, then 5 lakh electric three-wheelers and 55,000 four-wheelers and 7,000 buses. The main objective is to encourage faster adoption of electronic vehicles, electric vehicles
by way of offering upfront incentive on the purchase and also by way of establishing a necessary charging infrastructure. तो मैंने आपको ऑलरेडी जब टैक्सेशन पढ़ाया था तो बताया था कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैटरीज हैं और साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इन सब पे जीएसटी जो है वो 5% कर दिया गया, वो इंसेंटिव भी दिया गया। और जब हमने डिस्कस किया बजट, तो इस साल के बजट में जो आपको पता है कि जो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको स्टार्टिंग में ही सब्सिडी इंटरवेंशन गवर्नमेंट दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है। तो इन दिस फेज द एम्फेसिस इज ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दैट इंक्लूड्स एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। एंड द सेकेंड फेज विल ऑल्सो नॉट प्रोवाइड एनी इंसेंटिव फॉर पैसेंजर कार्स यूज फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। जो पैसेंजर कार्स होते हैं दैट इज यूज फॉर पर्सनल यूज, द सेकेंड फेज विल इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी इंसेंटिव, ठीक है। तो ये आपको फेम सेकेंड स्कीम है। साथ साथ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है दैट द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी एस्टेब्लिश्ड वेयर बाई अबाउट 2700 चार्जिंग स्टेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द मेट्रोज साथ साथ अदर मिलियन प्लस सिटीज एंड स्मार्ट सिटीज, ओके। एंड दैट इज गोइंग टू इंश्योर द अवेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन चार्जिंग स्टेशन इन अ ग्रिड ऑफ 3 किलोमीटर एरिया, ओके। देन अनदर स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री G1 योजना। सो एज द वर्ड सजेस्ट वन इट स्टैंड इट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, सॉरी वातावरण। देर इज वन मोर स्कीम दैट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, ओके। सो दिस इज बेसिकली दिस स्टैंड फॉर जैव इंधन एंड वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ओके। तो बेसिकली द रिमेन्स जो भी रिमेन्स हैं आपको प्रोडक्ट्स के, इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स के, अल्टीमेटली द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है जो भी, तो उनके जो रिमेन्स हैं उसको हम लोग एज यूज करेंगे फ्यूएल, ओके। सो द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव द प्रधानमंत्री जीवन दैट इज जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। जो फसल से रिमेन बच रहे हैं तो इसलिए जीवन योजना इन्होंने बोला है। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेट बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स यूजिंग लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक। तो बेसिकली द नोडल मिनिस्ट्री इज G1, PM G1, ओके। दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस G1 का, ठीक है। एंड द टारगेट इज टू अचीव 10% ब्लेंडिंग परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल बाई 2022। तो इथेनॉल यूज करना है पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो उसके लिए आपको जो टारगेट सेट किया गया दैट इज 10%, ओके। Therefore, an alternate route that is second generation ethanol from biomass and other waste is being explored by ministry to bridge the supply gap for this program. So this scheme focuses to incentivize 2G ethanol sector and that is second generation ethanol sector and support this nascent industry by creating a suitable ecosystem for setting up commercial projects and increasing research and development in this area. So prelims ke liye aapke liye zyada important ye स्कीम है एंड यू शुड रिमेंबर द मिनिस्ट्री और सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, ठीक है। और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो हमारा है EBP, ये 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च फॉर अंडरटेकिंग ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न को रिलेटेड दिमाग में रख के इसको टारगेट किया गया था। देन वी हैव अनदर स्कीम दैट इज श्रेयस स्कीम मिनिस्ट्री HRD दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ये स्किल एजुकेशन को टारगेट कर रहा है। तो श्रेयस स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, ओके। सो इट इज अ प्रोग्राम कंसीव फॉर स्टूडेंट्स इन डिग्री कोर्सेज प्राइमरली नॉन टेक्निकल विथ अ व्यू टू इंट्रोड्यूस इम्प्लॉयबल स्किल्स इन टू देयर लर्निंग देन प्रमोट अप्रेंटिसशिप एंड ऑल्सो एमलगेमेट एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेटिंग, ओके। देन Shreyas portal will enable educational institutions and industry to log in and provide their respective demand and supply of apprenticeship. The matching of students with apprenticeship avenues will take place as per pre-specified eligibility criteria. और जो schemes की objective है तो आपको obviously that is to bring the skill development, the provide apprenticeship in the employment. क्योंकि employment के accordingly जो है ना वो आपको लर्निंग प्रोसेस में जो हायर एजुकेशन सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि
आप जो है वो वर्क कल्चर से पहले ही रूबरू हो जाए, पहले ही आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए, तो दैट इज़ अ साथ साथ टू प्रोवाइड स्किल्स विच आर इन ऑलरेडी डिमांड इन अ डायनेमिक मैनर, देन टू एस्टैब्लिश एन अर्न वाइल यू लर्न सिस्टम, ठीक है, एंड द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम, इट इज स्कीम विल बी ऑपरेटेड इन कंजंक्शन विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम विथ विच प्रोवाइड्स फॉर प्लेसिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप अप टू 10% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन एवरी बिजनेस या इंडस्ट्री, और इसको इम्प्लीमेंट करेगी सेक्टर स्किल काउंसिल, और स्टार्टिंग में बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, रिटेल, हेल्थ केयर एक्सेट्रा जो है वो इसमें होंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट ट्रैक जो है वो एड ऑन अप्रेंटिसशिप है, उसके बाद देन एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप, देन थर्ड ट्रैक इज लिंकिंग नेशनल कैरियर सर्विस विद कॉलेजेस। तो ये तीनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिटेल से ज्यादा, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट स्कीम इज युवा सहकार स्कीम, ठीक है। तो युवा सहकार स्कीम इज बेसिकली अ स्कीम ऑफ, मतलब दैट स्कीम इज बेसिकली कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम, ठीक है। और दिस इज बेसिकली लॉन्च टू कैटर द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज कम अप विद अ यूथ फ्रेंडली स्कीम, ओके, टू अट्रैक्ट देम टू कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर्स, ठीक है। एंड दिस स्कीम विल बी लिंक्ड टू 1,000 crore कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड क्रिएटेड बाय द NCDC, ठीक। फंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिजिबिलिटी, इट वुड हैव मोर इंसेंटिव फॉर कोऑपरेटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो नीति आयोग वाली है, एंड द कोऑपरेटिव विथ वुमेन और SC/ST और PWD मेंबर्स, ओके। एंड NCDC इज बेसिकली इसका नोडल एजेंसी जो है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड इट हैज अ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द सोल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एज एन एपेक्स फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कोऑपरेटिव वर्ड यूज किया गया है, तो बेसिकली इससे मतलब कंफ्यूज नहीं हो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसका नोडल मिनिस्ट्री, यू शुड रिमेम्बर, ओके। देन दिस इज अ स्पेसिफिक स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, दैट इज द युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है। तो युवा स्वाभिमान योजना में बेसिकली MP गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू इंश्योर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द अर्बन एरियाज। तो ये अर्बन एरियाज के लिए, जैसे रूरल एरियाज में हमारा नरेगा है, MG नरेगा, तो फॉर अर्बन एरियाज दे हैव इंट्रोड्यूस अ स्कीम विच इज प्रोवाइडिंग टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ फ्रॉम EWS कैटेगरी, ओके। एंड दिस स्कीम विल गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द EWS यूथ्स। ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट द यूथ्स विल बी गिवन स्किल ट्रेनिंग ऑफ देयर चॉइस सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट्स। वाइल दोज इन रूरल एरियाज आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट MG नरेगा, तो अर्बन यूथ को इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको स्कीम, तो ये स्कीम आप एक बार इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है कि कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि ये स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो दैट इज वाई आई हैव कवर्ड दिस स्कीम। देन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना जो है, इसको PM ने लॉन्च किया, तो ये बेसिकली इंडियन डायस्पोरा के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर ये पार्ट होगा, उसका ये पार्ट होगा कि जो भी इंडियन बाहर रहते हैं उनके लिए। तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो ग्रुप ऑफ इंडियन डायस्पोरा दैट विल बी सिलेक्टेड एंड दे विल बी टेकन ऑन अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया ट्वाइस अ ईयर। तो पहला बैच जो 40 इंडियन ओरिजिन लोगों का था, इट स्टार्टेड विद प्रवासी भारतीय दिवस और उन्होंने अपना टूर स्टार्ट किया जनवरी में, ओके। तो एनी पीपल, एलिजिबिलिटी क्या है, ऑफ इंडियन ओरिजिन एज बिटवीन 45 to 65 कैन अप्लाई एंड अ ग्रुप विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ देम विद फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू पीपल फ्रॉम द गिरमिथिया कंट्रीज सच एज मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम। तो गिरमिथिया कंट्रीज क्या है, ये बहुत न्यूज में था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गिरमिथिया और जहाजी दादा डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंचर्ड इंडियन लेबर्स ब्रॉट टू फिजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, मलाय पेनिनसुला, करीबियन एंड साउथ अमेरिका। तो इंडेंचर्ड लेबर्स की तरह जो इंडिया से बाहर ले जा गए थे ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन सारों को, उनकी जो कंट्रीज, उनके ग्रुप को गिरमिथियाज बोलते हैं, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए ये लोग इंडिया से लेके गए थे बाहर, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन
उदय स्कीम दैट इज उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ठीक है। तो दिस बेसिकली स्कीम एम्स एट फाइनेंशियल टर्न आउट एंड रिवाइवल ऑफ द डिस्कॉम दैट इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो लॉस में जा रही है उनके लिए, तो रिवाइवल के लिए ये स्कीम थी जिसमें कि जो डिस्कॉम्स हैं किसी भी स्टेट में उनको जो डेट है उनका, दैट मीन जो भी उनके ऊपर कर्ज है वो उसको स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते थे, ओके। और स्टेट गवर्नमेंट उस बॉन्ड्स को के बदले उनको पैसे देगा एंड दे विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ द डेट ट्रैप, ठीक है। वन टाइम उनको जो है वहां से निकालने का यह स्कीम था उदय। तो इट इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डिस्कॉम्स, रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ पावर, रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिस्कॉम्स एंड इन्फोर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑन डिस्कॉम्स, ठीक है। तो ये सारा स्कीम है आपको, तो आपको पूछे उदय स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिलेटेड है। देन द सेंटर प्रपोजेस टू हाइक मंथली पेंशन फॉर द एल्डरली पुअर एंड डिसेबल्ड एंड विडोज। तो बेसिकली इंडिया में एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चला आ रहा है बहुत दिनों से, जिसके अंदर चार मेजर पेंशन स्कीम्स हैं, लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, देन नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम एंड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो इसमें जो पेंशन की हाइक जो है प्रपोज की है गवर्नमेंट ने, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज प्रपोज दैट द मंथली पेंशन अंडर NSAP फॉर द एल्डरली पुअर डिसेबल्ड एंड विडो पेंशन, विडोज जो है उनका 200 रुपये से 800 रुपये बढ़ाने के लिए, और जो 80 साल से ऊपर के हैं उनका 500 से 1200 महीने का, ओके। तो इस फ्लैगशिप स्कीम के बारे में अगर बात करें तो दिस सोशल नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेक्टर नहीं है याद रखिएगा, एंड इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री हमारे लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और इट इज़ वर्किंग फ्रॉम 1995, तो ये सारी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देन वी हैव सखी वन स्टॉप सेंटर। तो सखी बेसिकली जो भी निर्भया फंड जो क्रिएट किया गया था, जो मोर देन 1,90,000 विक्टिम्स अक्रॉस द कंट्री हैव एक्सेस द वन स्टॉप सेंटर स्पॉन्सर्ड बाई सेंटर अंडर द निर्भया फंड। बेसिकली गवर्नमेंट एक निर्भया फंड इशू किया था जो भी इस तरह के रेप विक्टिम वगैरह हैं उनके डेवलपमेंट और उनके रिट्राइवल के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। तो जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ये एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जारी किया है जिसमें कि वन स्टॉप सेंटर वो बनाएंगे। और ये किस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर है, तो दैट इज नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। और इस स्कीम के अंदर जो निर्भया फंड एक बनाया गया था जो कि वुमेन के सेफ्टी के लिए था, ताकि जिनके गैंग रेप या कोई भी कुछ हुआ होगा, बेसिकली जो जो गैंग रेप हुआ था निर्भया कांड जो फेमस था दिल्ली में 2012 में, उसके बाद एक फंड बना दी गई थी जो भी उस तरह के विक्टिम्स होंगे उनके लिए, ठीक है। तो ये वन स्टॉप सेंटर इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस अंडर वन रूफ टू वुमेन अफेक्टेड बाई वायलेंस बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस। तो इस स्कीम के अंदर जो वन स्टॉप सेंटर है, दैट इज बी फॉर मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड पुलिस हेल्प फॉर विक्टिम्स ऑफ जेंडर बेस्ड अब्यूज सच एज सेक्सुअल असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये है वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है। इन यार्न बैंक स्कीम, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स तो और सिल्क वगैरह। तो यार्न बैंक स्कीम जो है आपको बेसिकली इट इज़ टू अवॉइड फ्लक्चुएशन इन यार्न प्राइस, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम एंड एज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ पावर टेक्स इंडिया। तो पावर टेक्स इंडिया भी एक स्कीम है जो कि टेक्सटाइल इंडिया टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री कॉर्पस फंड ऑफ ₹2 करोड़ टू द स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कि पावरलूम वेवर्स के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। एंड इट एम्स टू अवॉइड मिडिल मैन एंड लोकल सप्लायर ब्रोकरेज चार्जेस ऑन सेल्स ऑफ यार्न, ठीक है। इन द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री कॉर्पस फंड टू स्पेशल पर्पज व्हीकल टू एनेबल देम टू परचेज यार्न, ये हमने डिस्कस किया। फिर टू अवॉइड मिडिल मैन, ये भी हो गया। बेनिफिशियरीज क्यों है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो दिस वुड बी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट एंड द कंपनी सेटअप अंडर कंपनीज एक्ट, फॉर्म सेटअप अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये सारी एलिजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इट इज अंडर द पावर टेक्स स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑलरेडी। फिर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो बेसिकली है दैट इज इट दिस मिशन इम्पावरिंग
Nestle Academic and R&D institutions spread over the country by installing a vast supercomputing grid comprising of more than 70 high-performance computing facilities. Okay? And these supercomputers will also be networked on the National Supercomputing Grid over the National Knowledge Network. ठीक है, तो आपको जो मिनिस्ट्री और जो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है दैट विल बी जॉइंटली डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, DST एंड DT 7 साल तक के लिए. ठीक है, देन द अदर स्कीम इज वी नो अ वेरी फेमस स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. तो इसमें जो बेनिफिशियरीज की लिस्ट है उसको एक्सपेंड किया है गवर्नमेंट ने एंड दे हैव क्लियर्ड टू द प्रपोजल टू रिलीज डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शंस टू पुअर फैमिलीज हु हैज नॉट बीन कंसीडर्ड अर्लियर. तो पहले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो बैकवर्ड और पुअर क्लासेस थे उनके लिए था, फिर जब सबको कवर कर दिया गया तो अब और जितने भी बचे हुए हैं पुअर फैमिलीज उनको हु कुड नॉट गेट द कनेक्शन MIU आर नाउ एलिजिबल टू गेट अ कनेक्शन सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एंड फर्निश रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. नए बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अंत्योदय योजना के बेनिफिशियरीज, आवास योजना के बेनिफिशियरीज, ST/ST हाउस होल्ड्स इन TN XT गार्डन ट्राइब्स और पीपल रिसाइडिंग आइलैंड रिवर आइलैंड्स. ठीक है, तो बेसिकली ये स्कीम ऑलरेडी है क्या, तो ये किसी भी एडल्ट वुमेन BPL फैमिली का जो है उसको आइडेंटिफाई करके एंड सी इज गिवेन अ डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन विद अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1600 पर कनेक्शन बाय द सेंटर. तो गैस का कनेक्शन में ₹1600 जो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देगी. ओके, एंड द नोडल मिनिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नहीं होगा. ओके, देन सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम. तो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम टेकन अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉम्प्रेसिव मैनर अक्रॉस द कंट्री. और इस स्कीम के अंदर These cards are provided to all farmers so as to enable the farmers to apply appropriate recommended doses of nutrients. Basically, soil health card में क्या होता है कि आपको आपके जो land का जो soil है particular उसमें कितना proper dosage में fertilizer या कुछ भी डालना है dosage nutrients का वो आपको पता चलने जाता है उसके through. एक survey होता है, assessment होता है. ठीक है, so this was launched in 2015 and in this scheme government plans to issue soil cards to farmers and that will carry crop wise recommendation of nutrients and fertilizer required for the individual farms to help farmers to improve productivity. ठीक है, और सारे soil जो है वो lab में test किए जाते हैं. then we have two more schemes like Impress and Spark, both are related to build a research ecosystem in educational institutions. ठीक है, तो Impress का objective is to identify and fund research proposal in social sciences with maximum impact on the governance and society. ठीक है, this scheme will focus on broad thematic areas like state and democracy, urban transformation, वो सारा कुछ. and under Impress 1500 research projects will be awarded for 2 years to support social science research in the higher education institutions. Indian Council of Social Science and Research that is ICSSR will be the project implementing agency. तो ये बहुत important है आपको implementing agency. ठीक है, okay, और ministry HRD दोनों की है. फिर देखते हैं स्पार्क. तो स्पार्क पोर्टल अभी एक लॉन्च किया गया है. ठीक है, जिसमें जहाँ पे कि 2018 में इसको स्पार्क स्कीम को जो है जो IIT खड़गपुर है एज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट इसको लॉन्च किया गया था स्पेस स्पार्क प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए. तो अभी HRD मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस स्कीम? दिस स्कीम विल इम्प्रूव रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन. And the Indian institutions will include those from top 100 or category wise top 100 in NIRF ranking, including such private institutions which are recognized under 12B of UGC Act. ठीक है, उनको उनके एरिया में ट्रेथ जो ये है आपको रिसर्च है उसको प्रमोट करेगी. और इस स्कीम के अंदर 600 joint research proposals will be awarded for 2 years to facilitate strong research collaboration between Indian research groups with the best in class faculty, okay, around the world. तो ये है आपको याद रखना है स्पार्क और इम्प्रेस. देन वी हैव उड़ान स्कीम. तो उड़ान स्कीम स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक और दिस इज बेसिकली इट इनवाइसेस प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड द अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट्स. ठीक है, इसमें जो आपको ओरिजिनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है और फेयर भी जो है उसमें उड़ान के अंदर जो सीट्स हैं उसको
पेयर उसके जो है वो कम करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के। इसमें पीपीपी मॉडल फॉलो किया जा रहा है। इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, ना बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू इसमें हो रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग इज जनरली प्रोवाइडेड टू दोज प्रोजेक्ट इन विच हैव अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड when the and that means the time difference between your investment and its earning profit for you and when the user charge cannot be increased to commercial levels. तो इसमें क्या होता है कि एक bid होगी and उस routes को decide करेगी state government की, ये सारे routes हैं, उसको bidding के लिए, competitive bidding के लिए offer किया जाएगा और reverse bidding mechanism होगा। that means कि जिसमें सबसे ज़्यादा lowest viability gap funding आपको propose करेगा only those will be given the exclusive rights की to operate इन दैट पर्टिकुलर रूट फॉर पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। तो और जो स्कीम है उसमें हाफ जो है सीट्स टोटल उसको जो है वो आपको कैप किया गया, तो इसीलिए आपने देखा भी होगा फ्लाइट्स के जो प्राइसेज हैं दैट रिमेन्स वेरी लो समटाइम्स। तो कुछ सीटें जो हैं हाफ सीट जो है वो उड़ान स्कीम के अंदर जो होती हैं वो साथ, और उनको ATF फ्यूल में भी टैक्स कंसेशन दी जाती है। तो ये मेन्स के लिए चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, ट्रैफिक रूट हमारे लिए चैलेंज है, कैपेसिटीज चैलेंज, और अब साथ साथ इंटरनेशनल उड़ान भी लॉन्च कर दिया गया है जो दैट इज टू कनेक्ट द इंडियाज स्मॉलर सिटीज डायरेक्टली टू सम की फॉरेन डेस्टिनेशंस इन द नेबरहुड एंड सच डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी इट इज होप इट वुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी एंड द स्टेट बाय वूइंग टूरिस्ट एंड बिजनेस पीपल टू ट्रैवल वाया स्मॉलर टाउन्स, ठीक है। तो मेट्रोज के थ्रू आप स्मॉलर टाउन से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो देर आर अराउंड 18 कंट्रीज दैट अलाउ डायरेक्ट यू कैन से विथ वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज, तो उन सारों को ज़्यादा टारगेट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड थर्ड फेज ऑफ उड़ान हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च। ऑन द फर्स्ट टू फेजेज ऑलरेडी 120 रूट्स पे एयरलाइंस आर ऑपरेटिंग टू द 37 अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स। और थर्ड स्कीम के अंदर जो है सी प्लेन्स को इंक्लूड करने की बात करी गई है। टूरिज्म रूट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ इंक्लूड किया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा जो है रूट्स को लाया जाएगा। So this was Uran, okay. Then we have another very important scheme that is PM ASA. So this scheme basically was launched last year. So हमने जब agriculture पढ़ा था तो हमने उस time बोला था कि इसको हम लोग schemes में discuss करेंगे। तो PM ASA that stands for प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें तीन चीजें हैं, that is the price support scheme, then the price deficiency payment scheme and pilot of प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसमें क्या है तीनों में मैं आपको बताता हूँ। प्राइस सपोर्ट स्कीम में फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस ऑयलसीड एंड कोपरा, तीन चीज़ हैं ये याद रखिएगा, टू बी डन बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसी अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू बियर प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज ड्यू टू प्रोक्योरमेंट अप टू 25% ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉस भी होता है प्रोक्योरमेंट से टू दोज एजेंसीज, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी बॉन्डिंग द 25% तक का उनको देंगे, ठीक है। देन द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, इट विल कवर ऑल ऑयल सीड्स फॉर MSP विच इज नोटिफाइड, देन फार्मर्स विल गेट डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन MSP एंड द सेलिंग प्राइस। बेसिकली क्या होता है कि MSP सपोज ऑयल सीड जो है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 100 रुपीज, ओके, एंड उस साल मार्केट में प्राइस फॉल करी एंड एट द सेम टाइम दे हैड टू सेल, फार्मर्स हैड टू सेल एट अराउंड 80 रुपीज, so the balance that is the 20 rupees will be paid by the government to farmers, okay. And then a pilot project of private procurement has been started with this scheme oil seeds ke liye, so state will have the option to roll out the scheme on pilot basis in selected districts, theek hai. Aur isme ek aur cheez ki gayi hai, that is the minimum support price has to be increased by 1.5 times at least, theek hai. ये भी इस स्कीम के अंदर का एक मेजर ये है, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करना होगा, ठीक है। और तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली, प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिशिएंसी एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। देन अटल पेंशन योजना, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना हैज बीन इंडिफिनिटली एक्सटेंडेड, द स्कोप हैज बीन ब्रॉडेंड, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो अब अटल पेंशन योजना क्या है, तो इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम
launched by government in 2015 to provide a defined pension between 1000 to 5000. ठीक है, अब इस स्कीम में इट्स फोकस इज टू टारगेट इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ हाउसहोल्ड्स. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा ओवर 1 करोड़ पीपल हैव बेनिफिटेड ऑलरेडी एंड द स्कीम व्हिच वाज अर्लियर फॉर 4 इयर्स लैप्स इन 2018. लेकिन अब इसको इंडेफिनेटली टाइम के लिए एक्सपेंड कर दिया गया. नए प्रोपोजिशंस क्या हैं? तो यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू डबल द एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड रिलैक्स द एज क्राइटेरिया बाय 5 इयर्स. ठीक है, अर्लियर पीपल ऑफ 18 टू 16 ईयर वेर एंटाइटल टू इनरोल बट अब 65 इयर्स तक कर दिया गया. और जो भी अकाउंट्स 28 अगस्त के बाद खुलेंगे उसमें 1 की जगह 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो दिया जा रहा है. ओके, ये है. ठीक है, दिस वाज अटल पेंशन योजना. देन वी हैव ओ स्मार्ट स्कीम, दैट इज ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस स्कीम. ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का फ्लैगशिप स्कीम है. तो आपके लिए मैंने बोला था कि मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. As the word suggests, this the services rendered under this scheme will provide economic benefits to a number of user communities in the coastal and ocean sectors, जैसे कि fishery, offshore industry, coastal states, defense, shipping, ports, etc. उनको ये target कर रही है. And this scheme encompasses a total of 16 sub-projects addressing ocean development activities such as services, technology, resources, observation, and science. And this is very important. It is targeting the SDG 14, which aims to conserve use of ocean marine resource for sustainable development. Okay. Then it is also going to help in reducing the search time, जो कि हमें बहुत ज़्यादा बिंडा के लिए problem है. Search time for fishermen, resulting savings in the fuel cost. Okay. So the state of art early warning systems established scheme will help in effectively dealing with ocean disaster like tsunami, storm surges or etc. Okay. कुछ फ्लीट ऑफ रिसर्च वेजल्स हैं जो कि इसके लिए अक्वायर किए गए हैं रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. जैसे कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन विल बी डन बाय सागर निधि. ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वेसल है. फिर ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल इज सागर कन्या. फिशरीज एंड ओशियोनोग्राफिक रिसर्च इज सागर संपदा. एंड कोस्टल रिसर्च वेसल इज सागर पूर्वी. तो ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछें कि सागर कन्या, सागर पूर्वी एक्सेट्रा ये वगैरह, तो ये ओ स्मार्ट स्कीम से रिलेटेड है. तो और भी जो रिसेंटली अभी रिलेटेड ओशियन से एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, दैट इज इंडिया हैज़ बीन अकॉर्डेड पायोनियर स्टेटस ऑन डीप सी माइनिंग ऑफ पॉलीमेटेनिक नेड्यूल्स इन द एरिया ऑफ सेंट्रल इंडियन ओशन अलॉटेड बाय इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. तो ये इंडिया को परमिशन दे दी गई है. ओके, फिर इंडिया हैज़ ऑलरेडी द स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर सुनामी, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं. So this was all from today's lecture, and we have covered the schemes from August 2018 to May 2019. Okay, and this could have been the real syllabus of this year prelims, which already happened. But we have to cover at least 20 months scheme. 20 महीने तक के जो भी schemes news में हैं government के, that has to be read. Okay, so that's why I have started from August. So now we have done till May 2019. तो अब जो अभी के इस साल के prelims के बाद के जो schemes कुछ news में हैं और जो नए भी schemes हैं और कुछ news में भी हैं, दोनों ही मैंने cover किए हैं second lecture में. तो उसमें हम लोग अभी October तक के schemes cover करेंगे, जून से लेके October तक के. Okay, so I have covered all the schemes. Very recent से recent one भी मैंने cover कर दिया है scheme, जो सबसे latest October महीने के भी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे. बट कल नहीं, 2 दिन लगातार स्कीम्स नहीं करेंगे. टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग द सेंसस एंड द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. इनके हाइलाइट्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 34. ओके, सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा ये. और आपको लास्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड गवर्नमेंट स्कीम्स का, जो गवर्नमेंट स्कीम्स का सेकेंड पार्ट है, दैट वी विल बी कवरिंग इन द लास्ट लेक्चर. ओके, so this was all from today's lecture. So see you tomorrow with the census part. So please revise. Now only 2 lectures left. So I will be done with the syllabus in 2-3 days. So please revise. Okay, and if you have any problem, please let us know in the comment section and also in the channel. Thank you so much, friends. See you.